नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड के शाहपुर पंचायत में हैं और हमारे साथ यहां के वर्तमान मुखिया हैं ललित कुमार जी, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते 18 से 20 महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे हम बात करते हैं। ललित जी, सबसे पहले आपको लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, स्वागत आप लोगों का भी हमारे पंचायत में आके हमारे मूलभूत सुविधाएँ की जानकारी ले रहे हैं, अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना सरकार की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है, क्या लग रहा है आपके पंचायत में ये योजना कितना सफल? नहीं, मुखिया लोगों के पास था तो बहुत सफल था ये। हम बहुत प्रयत्न किए हैं, तकरीबन सभी वार्डों में रिपेयरिंग का काम और देख रेख में हम मुस्तैद थे, लेकिन जब से हम उन लोग के पास से हटा दिया गया है या PHD विभाग को दिया गया है, उसके बाद जर्जर स्थिति है। पब्लिक तो मुखिया जी को ही फ़ोन करते हैं, मुखिया जी जेई साहब को फ़ोन करते हैं, जेई और उसके बाद अगला अधिकारी तक के फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, लोग आते हैं, लेकिन कुछ बहाना बना बना के लोग चले जाते हैं। तो जो अधिकारी आप बता रहे हैं कि आते हैं चले जाते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हो रही होगी, तो जनता को कैसे इसका लाभ मिल रहा है? लाभ तो जनता को नहीं मिला है, लाभ तो यहाँ तो त्रहिमाम त्रहिमाम जनता है। योजना लाखों करोड़ों रुपए की योजना है एक एक पंचायत में, लेकिन इस तरह की अगर मतलब देखने को मिल रही है, तो इसमें जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? ये अधिकारी को जवाबदेही होनी चाहिए, पंचायत के प्रतिनिधि का होना चाहिए। और आप लोग का बात मानते हैं अधिकारी जो यहाँ के PHD विभाग को हैंडओवर कर दिए हैं, आप लोग पंचायती राज PHD को सौंप दिया है, तब से क्या लग रहा है PHD के अधिकारी आप लोगों की बातों को मतलब सुनते हैं या फिर अनसुना कर देते हैं? जी, अनसुना कर देते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, बात तो कर लेते हैं और आश्वासन दे देते हैं और धरातल पर एक काम भी नहीं करते। राशन की क्या व्यवस्था है? राशन मूलभूत मिल रहा है या फिर राशन में भी समस्याएँ? नहीं, राशन तो मिल रहा है, लेकिन समस्या ये है, पहले था कि एक डीलर के पास से चिन्हित लोग थे, है ना, और अभी है कि स्वतंत्र हो गए हैं, उस स्वतंत्र होने से और घपलेबाजी हो गया है बहुत, इसमें जनता पिसा रहे हैं बेसी, उनका हक मारा जा रहा है, कोई भी और अधिकारी भी नहीं लेते हैं इस पर। अधिकारी के पास कंप्लेंट किया जाता है कि हमारा राशन कम दिया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है, सब मिली भगत हैं सब, और जनता इसमें भी किसी तरह से पार हो रहा है। पंचायत का एक मेन नींव आप होते हैं, मुखिया मेन नींव होता है, जो कि सरकार बनाने में भी एक बहुत बड़ा योगदान मुखिया लोग का होता है, जैसे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी आम चुनाव हो, उसमें आप लोग की भूमिका एक अहम होती है। क्या लग रहा है सांसद निधि या विधायक निधि से कुछ योजना आप अपने पंचायत में लाते हैं कि नहीं लाते? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जनता के कोई ऐसा नहीं, उन लोग देखने वाले भी नहीं है। हम तो आने के बाद गणना करते हैं कि भाई विधायक निधि का सांसद निधि का हमारे पंचायत में कुछ लगा है पूर्व से या लगने वाला है। अभी हम मिलने गए थे लोगों से जो अभी नव निर्वाचित हुए हैं सांसद महोदय, उनसे ही मिले हैं, विधायक महोदय से ही मिले हैं, लेकिन विधायक महोदय ने आश्वासन दिए हैं अभी कि आप थोड़ा सा देख लीजिए पंचायत में क्या क्या आवश्यकता है, जो आपसे नहीं हो रहा है हमसे होगा, ऐसा बात बोले हैं, लेकिन हम लोग आए हैं। देखेंगे सरकार से अपील क्या करना चाहते हैं विकास को लेकर। पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छा था, पंचायती राज व्यवस्था में जो भी विकास हो रहा था नली गली का या पब्लिक का, एकदम सामने दिखाई पड़ता था, लेकिन ये वेंडर व्यवस्था करने के बाद या और क्या बोलता है सांसद महोदय के या विधायक जी का जो फंड होता है वो पारदर्शिता नहीं दिखाता है, और जो विकास पहुंचना चाहिए गांव तक के, वो गांव तक विकास नहीं पहुंचता। क्या मांगे हैं विशेष तौर पे आप लोगों की सरकार? हम लोग तो कहें कि पंचायत को आपको जो पंचायत में जो काम चल रहा है, और मुख्यमंत्री महोदय विशेष करके ग्राम पंचायत को मजबूत करें, ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करें, जिससे कि पंचायत के कोने कोने तक लाभ पहुँचे। चलिए, थे ललित कुमार जो कि शाहपुर पंचायत के मुखिया थे, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने कुछ कमियां भी बताई है कि किस तरह से अधिकारी अपनी मनमानी ढंग से काम करते हैं, जिस कारण से जनता को पानी हो या फिर अन्य किसी भी योजना का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पाता है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, जहानाबाद।